नगरी कुरुक्षेत्र में बारिश का कहर लगातार जारी है। अभी लोग जल भराव और दूसरी सुविधाओं से परेशान चल रहे थे। इसी बीच भारी बरसात के बाद कुरुक्षेत्र के गांव बजीतपुर में एक निर्माणाधीन 3 मंजिला भवन के गिरने की भी खबर है। गनीमत यह रही, जिस समय यह पूरा हादसा हुआ उस समय इमारत के पास कोई मौजूद नहीं था, इसलिए इस दुर्घटना में ना ही तो कोई चोटिल हुआ और ना ही किसी का जान माल का कोई नुकसान हुआ है। मकान मालिक ने बताया कि उसके सामने मकान बना रहे दूसरे आदमी ने उसे फोन पर सूचना दी कि आपका जो मकान है इसमें दरार आई हुई है, और जब मकान मालिक मौके पर पहुंचा तो उसके मकान का अगला हिस्सा गिर चुका था। मकान बनाया था और अचानक गिर गए, कैसे पता लगा आपको? ये मेरे को सवेरे 6 बजे के करीब मेरे सामने एक मकान बना रहा है मालिक, उसने मेरे को आके कॉल की कि भाई आपके मकान में ना थोड़ी क्रैकिंग आ रही है। तो मैं उसी टाइम बाइक उठा के आया, यहाँ पे पास में मेरा घर है, तो आके मैंने जैसे चेक किया उस टाइम त्रेड़े यहाँ रखी थी मेरे इसमें मकान में। तो मेरे आने से पहले एक बीम गिरा हुआ था नीचे, उसके काफ़ी देर के बाद मैं कहूँ सवेरे 7 बजे से लेके अभी थोड़ी देर पहले की बात है, आधा घंटा 15-20 मिनट पहले, तो उसके बाद आते ही मैंने यहाँ पे पहले ये देखो सारा इंतजाम कराया यहाँ पे, ताकि कोई भी आदमी हादसे वाली जगह पे ना जा सके। एक नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है, आप देख सकते दिखा सकते हैं इसको अपने उसमें वीडियो में, ठीक है? तो सर ये बताइए, हादसा इस हादसे में कोई माल जान हानि की तो नहीं हुई? देखो माल की हानि हुई है, किसी जान की हानि नहीं हुई है। माल तो ये है भी चलो दोबारा फिर से भी हम अपना करके रिकवर कर लेंगे इसको, लेकिन ये शुक्र है परमात्मा का कि इसमें किसी जान की हानि नहीं हुई है, नहीं तो। हाँ जी, तो ये मकान कब का बना हुआ है? ये मकान अभी का ही बना हुआ है, 6 महीने पहले हमने इसको बनाया था। हाँ जी, कब शुरू किया था? ये शुरू किया था जी सर जी 6 महीने पहले, आप लगा लो हिसाब तब इसका, पहले महीने में के करीब जनवरी में शुरू कर दिया था हमने, जनवरी के 15 के आसपास। तो ये क्या कारण रहा जो आपके मकान की दशा ऐसी हुई? सर इसके बारे में मैं क्लियरली कुछ कह नहीं सकता। देखो आपके सामने 3 दिन से बारिश पड़ रही है, पूरी रात बारिश हुई है, चारों तरफ पानी खड़ा हुआ है, अब कहीं ना कहीं से पानी आया है उसमें लगा और उसके कारण ही मकान को दिक्कत हुई है। तो जान की तो कोई हानि नहीं है? नहीं, जान की कोई हानि नहीं हुई हमारे यहाँ, किसी तरह का कोई मजदूर नहीं मरा है, किसी तरह से कोई मतलब ये तो काम रुका ही हुआ था। तो आपको क्या कारण लगता है कि मटेरियल में कमी हो सकती है? नहीं, मटेरियल में कोई कमी नहीं है, इसी मटेरियल में मैंने 2 बिल्डिंगें पहले ही बनाई हैं, इधर अंदर बना हुआ मेरा मकान, एक मैंने पिपली में बनाया, यही सेम मटेरियल लगा, यही सेम सरिया लगा और सेम ही आदमी ने बनाया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका नाम क्या है और कहाँ से रहने वाले हो? मैं मनीष कुमार हूँ, मेरा नाम पूरा मनीष कुमार है और मैं यहीं वजीतपुर पास वाले गाँव में रहता हूँ।